हेलो सर, मैंने देखिए आपका ये बी ऑनर्स इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर है, जिसमें कह रहा है हाउ डज ब्रेडी मेक ऑफ यूज टाइम ट्रेवल एज ए डिवाइस इन द साउंड ऑफ थंडर। ठीक है, इनके बारे में आपको बता दें। देखिए आपका लेना है इन ए ब्रेवरी साउंड ऑफ थंडर हंटर नेम इंग्लिश पे 10,000 टू ट्रेवल विद टाइम सफारी ए टाइम मशीन कंपनी डेट टैक्स हंटर्स बैक टू द टाइम ऑफ डिशनर एंड अलाउ देम द हंट टाइमेशन ड्रैक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से कलर है, जहाँ जहाँ पैराग्राफ चेंज है वहाँ से आपको पॉइंट चेंज करके लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए आपको कर लेना है बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये देखिए कहाँ तक करना है, बिल्कुल मैं आपको वीडियो में स्पीड स्टेप बाई स्टेप बता दूंगा। अब जो भाई बहन अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे घर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, ये बी ए होनर्स इंग्लिश का है, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो मैंने 6 में से टोटल 3 क्वेश्चन करवा दिए, एक और करवा दूंगा तो आपके 4 हो जाएंगे। कोई 4 आपको करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपको कर लेना है बिल्कुल आराम से। ये देखिए गाइस, इक्ले इनाइटली टाउट। जहाँ जहाँ पैराग्राफ चेंज है वहाँ से आपको पॉइंट चेंज कर लेना, मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बात को। ठीक है गाइस, वीडियो स्पीड लगी तो वीडियो पास करके देखिएगा कि जो मुझे और भी आंसर इसके बनाने हैं। ये देखिए आपको कर लेना है। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चैनल को लाइक कीजिए। ये देखिए आपको लिख लेना, अब इसके कुछ एनालाइज है तो वह एनालाइज आपको लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए जहाँ जहाँ पॉइंट चेंज है वहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ तक इसका आंसर कर लेना वर्ल्ड, देखिए लास्ट में वर्ल्ड है तो यहाँ तक आपको कर लेना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो का आंसर यहीं तक, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा।